हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ये चैनल पे। फ्रेंड्स, ये वीडियो में इलेक्ट्रिकल पीवीसी कंडक्ट यानी कि एचएमएस, एमएमएस एंड एलएमएस का पूरा डिटेलिंग देखेंगे और आप कौन सा ब्रांड का पीवीसी कंडक्ट यूज करना चाहिए और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब में एक 3 मीटर लेंथ का पीवीसी कंडक्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए उसके बारे में। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो का फास्ट से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये एक पाइप देखिए, ये उसका आउटर डायमीटर है यानी कि बाहर का डिस्टेंस है और ये उसका इनर डायमीटर यानी कि अंदर का लेंथ है और ये जो है बाहर का डायमीटर माइनस अंदर का डायमीटर, इसका मतलब आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर इज इक्वल टू थिकनेस है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो थिकनेस यानी मोटापा, ये थिकनेस जिसका ज़्यादा होता है जो पाइप का, वो पाइप उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अभी देखेंगे हम लोग, ये जो टेबल देखिए इसमें हमको मालूम चल जाएगा कौन सा पाइप ज़्यादा स्ट्रांग है एचएमएस, एमएमएस और एलएमएस में से, ठीक है दोस्तों। 16 mm कंड्यूट का एचएमएस कंड्यूट में 3.8 mm का थिकनेस आता है, 16 mm का MMS में 3 mm थिकनेस आता है और 16 mm का LMS में 2.3 mm थिकनेस आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो HMS का जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए HMS कंड्यूट काफ़ी स्ट्रांग रहता है। ऐसा ही 20 mm कंड्यूट में HMS में 4.2 mm थिकनेस आता है, MMS में 3.1 mm थिकनेस, LMS में 2.6 mm थिकनेस। ऐसा ही 25 mm कंड्यूट में HMS में 4.4 mm थिकनेस, MMS में 3.6, LMS में 2.9 mm थिकनेस रहता है। ऐसा 32 mm में 5.4, 4.2, 3.4 mm है, 40 mm में 5.6, 4.6, 4.2 mm है और 50 mm में 6.8, 5.7 एंड 4.9 mm है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो HMS का कंड्यूट है उसका ही थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है तो वो बेसिकली काफ़ी स्ट्रांग पाइप रहता है, उसके बाद MMS है, उसके बाद LMS है। दोस्तों, अगर मार्केट में परचेस करेंगे तो रेट भी HMS का थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू LMS एंड MMS। दोस्तों, अभी देखेंगे हम लोग कौन सा ब्रांड का पाइप लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जितना पाइप हम लोगों ने गवर्नमेंट टेंडर में देखा है जो मेक लिस्ट में, वो है प्रिसिशन, डायमंड, पॉलीकैप, एशियन, प्रेस्टो प्लास्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अभी देखेंगे हम लोग जो इंडियन स्टैंडर्ड 9537 IS 9537 के बारे में। दोस्तों, IS 9537 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो कंडीट हम लोग यूज करते हैं उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में है, उसका पूरा डिटेल में कंडीट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या टेस्ट करते हैं, कितना लेंथ का होना चाहिए और उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए। दोस्तों, हम जब कंड्यूट परचेस करने जाते हैं तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कंड्यूट में क्या लिखा है। ऐसे ही इंडियन स्टैंडर्ड 9537 के हिसाब में एक 3 मीटर का लेंथ कंड्यूट में क्या क्या लिखा होना चाहिए। आज पर इंडियन स्टैंडर्ड 9537 कोई भी इलेक्ट्रिकल पीवीसी कंड्यूट का 3 मीटर का जो लेंथ है उसमें पहले मैन्युफैक्चरर का नाम या फिर ट्रेडमार्क लिखा होना चाहिए। दूसरे पे आता है नॉमिनल साइज ऑफ कंड्यूट्स, वो कंड्यूट्स का कितना डायमीटर का है वो लिखा होना चाहिए। तीसरा है कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो कौन सा देश में बनाता है कंड्यूट वो लिखा होना चाहिए। और चौथा है HMS, MMS या LMS है वो लिखा होना चाहिए। और फिफ्थ में IS 9537 लिखा होना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है इंडियन स्टैंडर्ड का, एक लेंथ का कंड्यूट में ये लिखा होना चाहिए। दोस्तों, ये कंड्यूट देखिए जो हमने परचेस करके रखा है, इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है, डायमंड मेक का है, MMS कंड्यूट है, इंडिया में बन रहा है और IS 9537 भी लिखा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और काफ़ी कॉमेंट भी कीजिए।